we were launching the music of our film on Radio Mirchi, so I think it was a very novel and interesting idea, because mostly when you see a music launch, you see people standing, you know, on a dais, and you know, you unravel the CD, and you've seen that all the time, and it gets kind of monotonous and boring. I think what's the nicest part of it was, music is for people to listen to, okay, and what better place to come and launch your music, but at the Radio Mirchi, you know, office here, in the studios here, with your wonderful RJs, who really made us feel good, and we had a great time, so yeah. And it's also a little bit special for us, because I mean, the film opens with a Radio Mirchi show going on. I mean, when we wrote the script, what we wanted to actually talk about was, I mean, what we wanted to show was how when the film opens, it opens up with the Hyderabad blast, and you have listeners calling in, voicing their concerns, talking about ki yaar sab log keh rahe hai, sab log baatein karte rehte, koi kuch karta nahi hai. To instead of doing a boring scene, what we thought about the writers devised was ki agar ek aadmi gaadi mein baith ke radio sun raha hai, radio pe log मतलब लिसनर्स फोन इन कर रहे हैं अपनी अपनी जो 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 कंप्लेंट्स के साथ, अपने जो इमोशन के साथ, हाउ डू यू मैरी दैट इन. सो लकीली फॉर अस वी गॉट रेडियो मिर्ची अंडरस्टूड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी गॉट देम इन एंड वी केम ओवर हियर. आई थिंक जब से द जो पहला लुक आया था फिल्म का, वहीं से आई थिंक अ पॉजिटिविटी आई थी फिल्म में. आई थिंक लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि अलग किस्म की कहानी है, यू नो, इसमें लग रहा है कि कुछ अलग देखने को मिलेगा, जो आपको जरूर देखने को मिलेगा, एंड तो उस हिसाब से इंटरेस्ट है. ये फिल्म ग्लैमराइज नहीं करती है, यू नो, ग्लोरी नहीं देती है उस अंडरवर्ल्ड इंसान को. ये फिल्म उन किरदारों की है, जैसे कि इरफान, हुमा, मैं, जो कराची में जाते हैं टू गेट इंडियाज मोस्ट वॉन्टेड मैन बैक, और ये इन लोगों की कहानी. इट इज अबाउट टेररिज्म, इट इज अबाउट गोइंग टू ब्रिंग बैक इंडियाज मोस्ट वांटेड मैन. एस्पियोनाज थ्रिलर है, स्पाई थ्रिलर है, ये तीनों जो है, प्लस आकाश दहिया जो स्पाई रॉय, जिस तरह से आप CIA, FBI, मोसाद, KGB के बारे में सुने, दे आर प्लेइंग रॉ एजेंट्स. तो अंडरवर्ल्ड का जो आप कह रहे हो कि बाकी सारी फिल्म अंडरवर्ल्ड में बनी, ये फिल्म अंडरवर्ल्ड में बिल्कुल नहीं, कोई ये भाईगिरी नहीं है फिल्म में कोई. इट्स अबाउट इंडिया, इट्स अबाउट इंडियंस, इट्स अबाउट फोर पेट्रियट्स जो जाते हैं अंदर टू ब्रिंग बैक इंडियाज मोस्ट वांटेड. इस फिल्म के अंदर पहली बार किस तरह से इंटेलिजेंस सर्विसेज ऑपरेट करती हैं, उसका बहुत डिटेल्ड आपको उसका ड्रामा समझ में आएगा इस फिल्म के अंदर. लाइक यहाँ से वहाँ इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं पूरी नहीं बताऊँगा, लेकिन थोड़ा सा उसका टीजर मैं आपको देता हूँ. कैसे एक एड प्लेस किया जाता है किसी न्यूज़पेपर के अंदर, मुझे यहाँ के ऑफिसर को, यहाँ के बॉस को, वहाँ जो ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसको इन्फॉर्मेशन भेजनी है, तो कैसे भेजेंगे, कोई मेल नहीं है, कोई फ़ोन नहीं है कि कुछ टैप हो, तो पेपर में कोई ऐड दिया गया. अब उस पेपर के ऐड से कैसे डिकोड की जाती हैं चीज़ें, इस तरह की डिटेलिंग बहुत है, किस तरह से रियल लोग वहाँ सर्वाइव करते हैं. जैसे मेरा कैरेक्टर जो है वो 10 साल से वहाँ रह रहा है, और वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, वो यहाँ भेजता है, तो 10 साल से वहाँ रह रहा है, तो मशीन तो है नहीं, वो आदमी है. तो वहाँ रहते रहते उसको उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसकी उसने शादी भी कर ली है वहाँ, उसके बच्चा भी हो गया है, तब उसके दो भाग हो गए हैं, वो दो पार्ट में बट गया है, एक तरफ उसकी इंटेलिजेंस सर्विस है, एक तरफ उसकी फैमिली है. अब वो घर वालों को बता नहीं सकता. इस तरह की सर्विसेज में कभी जो है अपने बिल्कुल करीबी से करीबी आदमी को भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं रिवील की जाती है, तो इस तरह का ये सब माहौल आपको पहली बार देखने को मिलेगा. वेल, मेकअप सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यही लगी कि इन सब के साथ एक्शन करते हुए एक लड़की मैं ही नजर आऊंगी, एंड ऑफकोर्स सभी बहुत ही कमाल के एक्टर्स हैं. आई बीन अ फैन ऑफ इरफान वर्क फॉर एवर. अर्जुन इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल कोस्टार्स यू कैन हैव. ऋषि सर इज माई फेवरेट कोस्टार बिकॉज ही इज सो मच फन ऑन सेट. बट एज फार एज माई कैरेक्टर इज कंसर्न, एक एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट है, एक रॉ एजेंट है जो कि एक मिशन पे है इन सब लड़कों के साथ, तो एक ही लड़की है जो इस मिशन के ऊपर जा रही है. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरे लिए ये जानना कि वो क्या सोचती है या कैसे अपने आप को उन सिचुएशंस में, उस डेंजरस माहौल में कैरी करती है. इसकी ऑब्वियसली एक बैक स्टोरी है, एक फैमिली है, तो कुछ सैक्रिफाइसेज हैं जो वहां पे भी लिए गए हैं. व्हिच इज व्हाई आई थिंक मोर देन द एक्शन
और द इंटरमिट सीन्स और द सॉन्ग्स यू नो एंड एवरीथिंग. इट्स अ वेरी वेरी इमोशनल फिल्म. मतलब व्हेन आई सॉ द फिल्म अ फ्यू डेज बैक आई रियली गॉट मूव्ड बिकॉज एवरीवन यू नो वो जब गाड़ी उड़ती है या कोई किसी को मारता है आई थिंक बिहाइंड ऑल दैट इज अ वेरी ब्यूटिफुल इमोशनल स्टोरी दैट ऑल द कैरेक्टर्स हैव.